आज की हमारी रेसिपी है लेमन कर्ड टार्ट्स। इट्स एगलेस एंड नो बेक रेसिपी। दीज टार्ट्स आर वेरी टेस्टी एंड फुल ऑफ फ्रेश फ्लेवर्स। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल द कुकिंग फेलोज। तो चलिए लेमन कर्ड टार्ट बनाने के लिए इंग्रेडिएंट लिस्ट देख लेते हैं। यहाँ हमने लिए हैं 200 ग्राम डाइजेस्टिव बिस्किट्स। आप कोई भी हल्के मीठे बिस्किट यहाँ पर यूज कर सकते हैं। साथ ही हमने लिए हैं 50 ग्राम अखरोट। इन दोनों को हम अलग अलग ग्राइंड कर लेते हैं। डाइजेस्टिव बिस्किट्स को ग्राइंडर में इस तरह से तोड़ के डाल लेते हैं। इनका हमें फाइन पाउडर रेडी करना है। देखिए इस तरह से ये पाउडर बन के रेडी है। अगर कुछ इस तरह के छोटे क्रम्स रह भी जाए तो ये टार्ट्स बनाते वक्त हम हाथ से क्रश कर लेंगे। इन्हें एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। हमने यहाँ अखरोट को भी ग्राइंड करके इस तरह का पाउडर रेडी कर लिया है। इसमें कोई भी बड़े टुकड़े नहीं रहने चाहिए। इन्हें भी हम मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। साथ ही इसके लिए हमने लिया है सॉल्टेड बटर 100 ग्राम। इसे मेल्ट कर लेते हैं और इस मेल्टेड बटर को भी बिस्किट और अखरोट पाउडर में ऐड कर लेते हैं। अखरोट और बिस्किट का पाउडर बटर के साथ अच्छे से बाइंड हो जाएगा और इन्हें अच्छे से मिक्स करते हुए हम टार्ट का बेस तैयार कर लेते हैं। टार्ट रेडी करने के लिए हमने इस तरह का मोल्ड लिया है जिसमें लूज बॉटम है। अगर आपके पास टार्ट मोल्ड नहीं है तो आप कोई भी राउंड फ्लैट प्लेट का यूज कर सकते हैं। इस मिक्स को हम टार्ट बेस में अच्छे से इस तरह से टाइटली प्रेस करते हुए कॉर्नर्स और उसके ऊपर तक अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। टार्ट का बेस बहुत ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए। हमें इसे 1/4 इंच मोटाई तक अच्छे से स्प्रेड करना है। देखिए इस तरह से हमने टार्ट का मोल्ड फिल कर लिया है। अब इन सभी टार्ट मोल्ड्स में हम थोड़ा सा स्पून इस तरह से फैलाते हुए इसे स्मूथ कर लेंगे। इसी तरह से हमने सभी मोल्ड्स रेडी कर लिए हैं। इन्हें क्लिंग रैप से कवर कर लेते हैं और करीब 1 आवर के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देते हैं। चलिए जब तक टार्ट्स रेडी हो रहे हैं हम लेमन कर्ड भी रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हमने यहाँ फ्रेश लेमन्स लिए हैं और इनसे हम करीब 1 टेबलस्पून लेमन जेस्ट ग्रेट कर लेते हैं। हमने ग्रेटर की हेल्प से इसे ग्रेट करा है। देखिए हमें सिर्फ इसका ग्रीन या येलो पार्ट ग्रेट करना है, इसका वाइट पार्ट ग्रेट नहीं करना है, नहीं तो इससे बिटरनेस आएगी। और साथ ही हम लेमन से लेमन का जूस भी स्क्वीज कर लेते हैं। हमें यहाँ करीब 100 ml लेमन जूस चाहिए। अब एक सॉस पैन में हमने लिया है 100 ग्राम सॉल्टेड बटर और इसमें ऐड कर देंगे अप्रोक्स 1/2 कप यानी कि 100 ग्राम नॉर्मल शुगर। साथ ही लेमन जेस्ट और लेमन जूस को भी इसमें ऐड कर लेते हैं। इन्हें लो फ्लेम पे हम गर्म कर लेंगे जब तक कि शुगर अच्छे से डिसॉल्व ना हो जाए। देखिए शुगर अब बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो गई है। अब इसके लिए हम कॉर्नफ्लावर स्लरी तैयार कर लेते हैं। यहाँ हमने लिया है करीब 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और साथ ही 2 टेबलस्पून नॉर्मल टेम्परेचर पे वाटर। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कॉर्नफ्लावर को हमेशा ठंडे पानी में मिक्स करना चाहिए, नहीं तो इसमें गुठली पड़ जाती है और ये अच्छे से मिक्स नहीं होता है। यहाँ हमने फ्लेम को लो रखा है। अब एक हाथ से इसे हिलाते हुए हम धीरे धीरे कॉर्नफ्लावर स्लरी को इसमें ऐड कर लेते हैं। इसे कंटिन्यूसली स्टर करना है जिससे कि एक स्मूथ कंसिस्टेंसी का लेमन कर्ड हमें मिलेगा। हमने यहाँ थोड़ा सा लेमन येलो कलर इसमें ऐड करा है। अगर आप चाहे तो आप इसे ऐड कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी का हमें लेमन कर्ड तैयार करना है। अब गैस को ऑफ कर देते हैं और इसमें करीब 100 ml कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर लेते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करना है और हमारा लेमन कर्ड बिल्कुल रेडी है। आप इस लेमन कर्ड को 1 month तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और साथ ही अप्रॉक्स 4 month तक डीप फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं। ये ब्रेड्स और केक्स के लिए बहुत अच्छी टॉपिंग का काम करता है। देखिए परफेक्ट कंसिस्टेंसी का लेमन कर्ड बिल्कुल रेडी है। इस तरह से क्लिंग रैप हटा लेते हैं, टार्ट्स को भी डिमोल्ड कर लेते हैं। देखिए बहुत अच्छे से ये सेट हो गए हैं। टार्ट पेस की जो प्लेट लूज है उसे इस तरह से हल्का सा पुश करते हुए हमें ऊपर उठाना है और इसे धीरे से डिमोल्ड कर लेंगे। जब हम टार्ट में फिलिंग करेंगे तब हम इस प्लेट को रिमूव कर देंगे। अगर आप प्लेट का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको इसे डिमोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें लेमन कर्ड स्पून से या इस तरह के कोन में भर के इसे फिल कर लेते हैं। ये लेमन कर्ड की फिलिंग बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही सिंपल फ्लेवर्स है लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहे तो इसमें अपनी चॉइस के कुछ फ्रेश फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, ड्राई बेरीज भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसे आप ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं या इस तरह की व्हिप्ड क्रीम से आइसिंग कर सकते हैं। आप अपनी पसंद से इसे किसी भी डिज़ाइन में डेकोरेट कर सकते हैं। इसे कुछ लेमन स्लाइसेस से डेकोरेट कर लेते हैं। साथ ही इस पे थोड़ा सा लेमन जेस्ट भी ग्रेट कर लेते हैं, इससे इसके फ्लेवर्स और भी अच्छे आएंगे। कुछ चॉकलेट भी इस पे ग्रेट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे नॉर्मल कैडबरी चॉकलेट को लिया है। चॉकलेट, लेमन और क्रीम, इन सभी का फ्लेवर एक साथ बहुत ही अच्छा आता है। देखिए हमारे लेमन कर्ड टार्ट्स बिल्कुल रेडी है। आप ये लेमन कर्ड टार्ट की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और ये आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।